तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले हम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन इरोडोब का एक अच्छा सा क्वेश्चन है। ये कहते हैं मतलब एनर्जी कंजर्वेशन यूजिंग द एनर्जी एनर्जी कन डिमॉन्स्ट्रेट दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन डिपेंड ओनली ऑन सेमी मेजर एक्सिस ए एंड फाइंड एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ ए। तो लेट अस से दिस इज द सेमी मेजर एक्सिस। चलो मान लेते हैं ये जो सेमी मेजर एक्सिस है, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द सेमी मेजर एक्सिस एंड दिस डिस्टेंस इज बेसिकली टू ए। ये यहाँ से टू ए, तो सेमी मेजर एक्सिस जो देखोगे तो ये वाला डिस्टेंस इलिप्स की यहाँ से तो ये आ जाएगा सेमी मेजर एक्सिस। दिस डिस्टेंस इज ए। तो हमें यही है कि पॉइंट, ये पॉइंट फर्स्ट है जो सबसे पास्ट है, मिनिमम है, और ये पॉइंट सेकेंड है जो सबसे दूर है। तो इन दोनों पर मैकेनिकल एनर्जी, पॉइंट फर्स्ट और पॉइंट सेकेंड पर जो मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, और वो केवल मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस ए पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। और या कोई भी पॉइंट थर्ड लोगे तो इन सब पे मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट ही आएगा। तो चलो सबसे पहला लॉ लगाते हैं हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर यहाँ पर है फर्स्ट पर तो उसकी वेलोसिटी अलग है, और यहाँ पर जब प्लेनेट जाएगा तो इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी अलग है। तो इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी बी वन है और ये डिस्टेंस सन से आर वन है। दिस इज द सन एट द फोकस एंड दिस डिस्टेंस इज अगेन आर टू एंड हियर द वेलोसिटी इज अगेन, ये वेलोसिटी वी टू। तो मैं एंगुलर मोमेंटम एट द पॉइंट ए इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एट द पॉइंट बी बिकॉज नेट टाउ ऑन द सन इज जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम वन बी वन आर वन इज इक्वल टू एम टू वी टू आर टू। अब प्लेनेट सेम है तो मास तो सेम होगा, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मैं वी टू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बी वन आर वन अपॉन आर टू। तो ये इक्वेशन यहाँ से मिल गया। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि जो आर वन की जो वैल्यू है, यहाँ से आर वन की वैल्यू जो है वो ए माइनस ए ई के इक्वल है, और आर टू की जो वैल्यू है ओ प्लस ए ई के। ये आर वन की मिनिमम वैल्यू होती है और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है जब प्लेनेट की, ये जो प्लेनेट है, प्लेनेट से सन का जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे लाई करता है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये रहा अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वेलोसिटी। अब यहाँ से तुम आर वन आर टू की वैल्यू रखोगे तो वेलोसिटी भी जो है वो भी वन आर वन की वैल्यू रखोगे तो ए टाइम्स वन माइनस ई बचेगा, और आर टू की वैल्यू रखोगे तो ए वन प्लस ई बचेगा, और यहाँ से बी वन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फाइनली तुम्हारा जो वी टू की जो वैल्यू आ जाएगी तो वो बी वन वन माइनस ई और ये आ जाएगा वन प्लस ई के इक्वल आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसका मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिमिलरली हम दूसरा लॉ लगाते हैं बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुल, बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा दो, तो मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड पे मैकेनिकल एनर्जी बराबर होगी। तो इसका ये मतलब होता है फर्स्ट पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी हाफ एम बी वन स्क्वायर माइनस जी मास ऑफ द सन और स्मॉल मास ऑफ द प्लेनेट, और यहाँ से आर वन इज इक्वल टू सेकेंड पॉइंट पर हाफ एम बी टू माइनस जी मास ऑफ द सन मास ऑफ द प्लेनेट एंड दैट इज द आर टू। तो ये हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है। तो यहाँ से टू से मल्टीप्लाई कर दो और एम कैंसिल हो गया, तो बी वन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो टू माइनस यहाँ से बी टू स्क्वायर की वैल्यू के इक्वल होगा, और जी मास ऑफ द सन और आर वन माइनस जी मास ऑफ द सन और ये आर टू के इक्वल होगा। अब वी टू की वैल्यू यहाँ से डाल दोगे तो बी वन हमें दिखने लगेगा, तो बी वन स्क्वायर यहाँ पहले से पड़ा था माइनस बी टू का स्क्वायर, तो जो वी टू का स्क्वायर है वो आ जाएगा बी वन स्क्वायर और वन माइनस ई का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा वन प्लस ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी मास ऑफ द
सन यहाँ से वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू यहाँ बचेगा। तो एक काम करते हैं, इसको भी हम इसके टर्म में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एक काम करता हूँ कि आर वन आर टू को भी इसेंट्रिसिटी के टर्म में लिख सकते हैं। तो वी वन स्क्वायर यहाँ कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा वन प्लस ई का होल स्क्वायर और माइनस वन माइनस ई का होल स्क्वायर, और डिवाइड कर दूंगा वन प्लस ई का होल स्क्वायर ये वाला टर्म। तो जी मास ऑफ द सन, और यहाँ बचेगा वन प्लस ए ए ओ आर वन ए ए वन माइनस ई और माइनस ए और वन प्लस ई और ये वाली चीज़ यहाँ से। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, जो मेजर एक्सिस है वो आ रहा है यहाँ से कॉमन। तो यहाँ से वी वन का स्क्वायर, तो वी वन का स्क्वायर ये अगर स्क्वायर करोगे तो ये कट गया और वो टू ई यहाँ से, तो ऊपर जो बचा वो यहाँ से प्लस प्लस टू ई और ये टू ई, मतलब ये आ जाएगा फोर ई बचा ऊपर। तो यहाँ से तुम जोड़ोगे तो फोर ई ऊपर बचा और इधर बचा वन प्लस ई का होल का स्क्वायर। इसको मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया और ये यहाँ से बराबर होगा जी मास ऑफ द सन, ए कॉमन आ जाएगा और इधर बचेगा वन प्लस ई और वन माइनस ई, तो वन प्लस ई इधर बचेगा और माइनस ई और ये माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ से ख़त्म हो गया और माइनस ई यहाँ से माइनस टू ई इधर बचा, तो माइनस टू की वैल्यू इधर बचेगा और डिवाइडेड बाई वन वन स्क्वायर माइनस ई का स्क्वायर ये वाला टर्म बचेगा। कुल मिला के इसको मैं, इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो देखो इस वाले टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यहाँ से वन माइनस ई और वन प्लस ई ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से माइनस वन ख़त्म हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस टू ई बचेगा। तो ये वाला, अब देखो यहाँ से तुम देखोगे तो ये ए ई ने ई को यहाँ से ख़त्म कर दिया और ये इसको टू टाइम्स काट दिया, तो यहाँ से वन प्लस ई, तो होल स्क्वायर करोगे तो एक टर्म इसमें से ख़त्म हो जाएगा। तो वेलोसिटी वी वन जो दिखेगी वो दिखेगी जी मास ऑफ द सन, और मास ऑफ द सन वन प्लस ई डिवाइडेड बाई ए और वन माइनस ई सब कुछ अंडर रूट। तो दिस इज़ वॉट, दिस इज बेसिकली नथिंग, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट एट द पॉइंट वन, वन पॉइंट पे, मतलब ये वाला जो पॉइंट वन है उस पॉइंट पर वेलोसिटी मुझे दिखने लगा। तो अगर एक पॉइंट पे वेलोसिटी दिखने लगा, वी वन इतना आ गया, तो भाई वी टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो वी टू की वैल्यू देखो, वी टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ऊपर देखो वी टू की वैल्यू जो आ जाएगी पुट करके देखो, तो जी मास ऑफ द सन इज इक्वल टू ये आ जाएगा वन माइनस ई और ए टाइम्स वन प्लस ई, इंटरचेंज हो जाएगा, दिस इज द वी टू। तो ये वी वन है और ये वी टू है। तो जब हमें वी वन वी टू यहाँ से मिल गया, पूरी ये वैल्यू मिल गई वी वन और वी टू की, अब मैं मैकेनिकल एनर्जी बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। तो मैकेनिकल एनर्जी का क्या फार्मूला था? तो मैकेनिकल एनर्जी जो है, अगर मैं निकालूं इस पूरे का, तो मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट फर्स्ट पे आ गया हाफ एम वी वन का स्क्वायर माइनस जी मास ऑफ सन और एम अपॉन आर वन, ये मैकेनिकल एनर्जी है। तो हाफ मास और वी वन, तो वी वन का स्क्वायर मतलब ये वाला जो टर्म है उसका स्क्वायर, मतलब जी मास ऑफ द सन और यह आ जाएगा वन प्लस ई और यहाँ से वन माइनस ई स्क्वायर करोगे तो रूट हो जाएगा माइनस जी एम और ये मास ऑफ द प्लेनेट और आर वन की वैल्यू ए वन माइनस ई। अब ये पूरा सॉल्व करो, तो ये पूरा सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा भाई? इस पूरे को अगर सोल्यूशन लोगे तो देखो क्या कॉमन आ जाता है, जी मास ऑफ द सन मास ऑफ द प्लेनेट, और यहाँ से तुम देखोगे जी मास ऑफ द सन मास ऑफ द प्लेनेट और ये वी वन, ये नीचे ए भी था और ए यहाँ से कॉमन आ गया, तो ब्रेकेट में जो बच गया ये वन प्लस ई
ऊपर में बच गया डिवाइडेड बाय टू वन माइनस ई, वन माइनस ई इधर बच गया, और माइनस यहाँ से वन अपान वन माइनस ई बच गया। तो फाइनली अब इसको सॉल्व करो तो और अच्छे से सॉल्व करोगे तो जी मास ऑफ द सन, मास ऑफ द प्लेनेट ए, और यहाँ से तुम टू से मल्टीप्लाई कर दो फिर वन का स्क्वायर, तो वन प्लस ई का वन माइनस ई का स्क्वायर, देखो इस वाले टर्म में कितना भाई फास्ट अपना, वन माइनस ई का स्क्वायर माइनस टू, यहाँ से माइनस टू और माइनस टू ई यहाँ से, तो डिवाइड कर दिया जाए तो टू टाइम्स वन माइनस ई का स्क्वायर। तो यहाँ से तुम देखोगे अब यहाँ से वन माइ वन और वन इसका मल्टीप्लाई को वन माइनस ई का स्क्वायर, और इधर से माइनस टू ले गए तो माइनस माइनस टू और ये प्लस टू यहाँ से, तो कुल मिला के अगर तुम सॉल्व करोगे इसको तो देखो कितना मिलता है मेरे भाई। तो जी मास ऑफ द सन, मास ऑफ द प्लेनेट ए, और टू इसको यहाँ पे साइड में ले लिए, और यहाँ से मिलेगा तुम्हें वन माइनस ई का स्क्वायर, और यहाँ से माइनस वन माइनस और प्लस टू ई, और डिवाइडेड बाई यहाँ से वन माइनस ई, और ये जो है वन यहाँ से मिलेगा वन माइनस ई, वन प्लस ई ये वाला टर्म। तो यहाँ से जब काटोगे यहाँ पर देखो तो यहाँ से माइनस साइन यहाँ कॉमन लो लो, जी मास ऑफ द सन, मास ऑफ द प्लेनेट टू टाइम्स ए, तो ए आ जाएगा वन प्लस ई का स्क्वायर माइनस टू ई ओवर वन माइनस ई और वन प्लस ई ये, और ऊपर में अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट फर्स्ट मिलेगा वो आ जाएगा माइनस जी मास ऑफ द सन, मास ऑफ द प्लेनेट टू ए, और ये जो सोल्यूशन बनेगा यहाँ से वो वन माइनस ई का होल स्क्वायर, मतलब वन माइनस ई और यहाँ से आ जाएगा वन प्लस ई। तो यहाँ से तुम देखोगे एक टर्म यहाँ से ये माइनस ए वन माइनस ए होल स्क्वायर आएगा, ये ई टू द पावर नहीं आएगा इन साइड में, तो लिटिल बिट यहाँ पे एक मिनट, तो आप ये खुद कर सकते हो यहाँ पे जो है वो ये। तो फाइनली इसको सॉल्व कर लेना, ये होल स्क्वायर टर्म आएगा तो वन माइनस ई बचेगा और ये वन माइनस ई बचेगा, मैं आपका काम पूरा सॉल्व किया, और ऊपर होल स्क्वायर माइनस बचेगा, ये सारा कट गया। तो मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट फर्स्ट जो है माइनस जी मास ऑफ द सन, मास ऑफ द प्लेनेट दैट इज टू ए, जो कि एक कांस्टेंट आया, और ये डिपेंड कर रहा है मेजर एक्सिस पे, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन माइनर एक्सिस, और यही बात बच्चों हमें प्रूव करना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं सारा कैलकुलेशन कर दिया हूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।